राजगीर में आ रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम घूमने के लिए, तो ये क्रिकेट स्टेडियम को ही फिलहाल कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया है। सकते हैं यही है यहाँ का कुछ व्यू है अभी। यह है राजगीर खेल परिसर। 40,000 लोगों को बैठने का यहाँ पे व्यवस्था किया गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो अभी हम आ गए हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जो है राजगीर है, वहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम अभी बन करके हाल ही में तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त को हुआ है, जिनका हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। वहीं पे आए हुए हैं, चलिए आप लोगों को घुमाते हैं अंदर। क्रिकेट स्टेडियम के बाहर का कुछ व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे अभी अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, अभी पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है। देख सकते हैं इधर पूरा माटी ये सब उभरा हुआ है, और इसका रास्ता भी जो है ना ऐसे ही कुछ करके है, ये सभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ये सब पूरा बन रहा है। देखते हैं, कंटिन्यू बन रही है। चलिए इसका गेट पे चलते हैं, पहले आप लोग को दिखाते हैं फ्रंट गेट। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको ये क्या बन रहा है, पुल उल बना रहे हैं ना, पुल बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं तैयार ही किया जा रहा है इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मेन गेट के पास में है राजगीर खेल परिसर। ये होने वाला है यहाँ का मुख्य द्वार, मेन गेट, ये देख सकते हैं ये सामने। ये है राजगीर खेल परिसर, यही होने वाला है यहाँ का मेन गेट है। ये सब पूरा वहाँ लंबा दूरी तक देखिए, वो सब पूरा जो है राजगीर का स्टेडियम के बाहर अंदर में ही है। वो सब पूरा देखिए, पूरा ग्राउंड जो है वो ये स्टेडियम के पास का ही है। ये सारा ग्राउंड यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलने वाला है, राजगीर स्पॉट ये सब देखने को यहाँ से मिलने वाला है आप लोगों को। इसका उद्घाटन तो हो गया है 29 अगस्त, देख सकते हैं यही है यहाँ का कुछ व्यू है अभी। अभी तो ये सब मतलब गेट इसका पूरा तैयार हो गया, लेकिन उस तरफ में जैसे आप लोगों को दिखाए ही है कि वो सब जो रास्ता आने जाने का रास्ता है वो सब पूरा कहीं क्लियर नहीं किया, अभी वो धीरे धीरे बन ही रहा है। अब इसको बनने में लगभग 2-3 महीने और लगे, क्योंकि लोगों ने बताया कि गार्ड हैं वो सब बताए हैं कि लगभग नवंबर तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बन करके तैयार होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि यही रहने वाला है ये गेट, जहाँ से क्रिकेट के लिए जो खिलाड़ी लोग आएंगे यही गेट से वो लोग एंट्री करने वाले हैं। और उस तरफ में जो आप लोगों को दिखाए थे रास्ता, तो ये मुख्य रास्ता यही पे यही रहने वाला है, जो अभी तैयार हो ही रहा है। उस गेट से मतलब जो लोग घूमने वाले आएंगे वो सब लोग उस गेट से आने वाले हैं, और जो खिलाड़ी वाले लोग खेलने के लिए जो लोग आने वाले हैं वो इस रास्ते से आने वाले हैं। अभी तो जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन स्पोर्ट कबड्डी वगैरह हुआ था। देखते हैं अंदर चल करके क्या है क्या नहीं। ये क्रिकेट स्टेडियम का कुछ कुछ कार्य काम जो है अंदर में चल ही रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर में लगभग 24 प्रकार के खेल होने वाला है। तो क्रिकेट स्टेडियम जो था वो तो पूरा बन करके तैयार है, मतलब अंदर में जो क्रिकेट स्टेडियम था वो पूरा बन करके तैयार है, और इसके साइड में जो भी यहाँ पे जैसे सीट बैठने वगैरह ये सब के लिए है, जो आगे धीरे 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 पूरा काम बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसका शिलान्यास तो 2018 में हुआ था, 18 के बाद अब धीरे धीरे पूरा हो गया है। ये राजगीर का क्रिकेट स्टेडियम जो है लगभग 45,000 लोगों को बैठने का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, जैसे कि आप लोग को दिखाए ही है। इसके अंदर में जो कुछ कुछ अभी काम जो है चल ही रहा है, 45,000 लगभग 700 करोड़ के लागत से ये स्टेडियम बन करके तैयार तो नहीं हुआ, बस तैयार हो रहा है धीरे धीरे। जब से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे 29 अगस्त को ये सब देखिएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ कुछ काम चल रहा है अंदर में, देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। वो वाला तो है ना, वो वाला मतलब पूरा फिनिश हो गया है, वो वाला बन करके तैयार हो। कितना बन रहा है इसके अंदर, कितना खिलाड़ी होने वाला है, कितना प्रकार के खेल होने वाला है, 47 कितना बोले, 32 प्रकार का इसके अंदर में खेल होने वाला है, इसलिए उसको तैयार कर दिया गया। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं वो सब कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा धीरे धीरे, वो सब बैठने के लिए पूरा ये सब बनाया जा रहा है यहाँ पे। और नीचे में देखिए ये सब अभी धीरे धीरे जो भी काम बचा हुआ है वो काफी तेज में हो रहा है, काफी तेजी में यहाँ पे हो रहा है। इस स्टेडियम के अंदर में 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक यहाँ पे खेल होने वाला है। जो भी लोग हैं आइएगा जरूर, एक बार देखिएगा अपना बिहार में किस तरीके का स्टेडियम बनकर के तैयार हो गया। इसके अंदर में देखिएगा तो ये सब भी अभी काम कुछ कुछ चल रहा है, जैसे कि वो गिट्टी उट्टी का काम, बालू वगैरह ये सब चीज नीचे चल रहा है, देख सकते हो आप लोग। सो गाइस, आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि अगर आप लोग नालंदा में आ रहे हैं, नालंदा राजगीर में आ रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम घूमने के लिए, तो ये क्रिकेट स्टेडियम को ही फिलहाल कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया है आम नागरिकों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, इसलिए लोगों के लिए बैन कर दिया गया था। कृपया आप लोग अभी नहीं आए, 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक यहाँ पे खेल होने वाला है, तो उस समय पे आइएगा आप लोग, तभी एंट्री बैन कर दिया गया है सब लोगों के लिए।
कोई भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है फिलहाल, ये ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बता दे रहे हैं। नहीं तो सर लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और घूम करके जा रहे हैं, ऐसे लिए इसके लिए परेशान ना होइए। 11 नंबर से 20 नंबर तक आप लोग आकर के यहाँ पे घूम सकते हैं, ऐसे अब आप ही आना मतलब टाइम पास, आइएगा घूम करके जाइए, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ पे मुख्यतः तीन गेट है, जैसा जहाँ पे ये भी आम पब्लिक के लिए ये गेट बनाया है। एक फर्स्ट नंबर गेट पे भी जाइएगा तो वो आम पब्लिक के लिए बनाया है, जैसे आप लोग पीछे देखे ही हैं कि आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ का मुख्य गेट जो कौन सा रहने वाला है वो भी आप लोगों को दिखाए हैं। तो ये रहा हमारा खूबसूरत राजगीर का क्रिकेट स्टेडियम, मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे, चलिए मिलते हैं। सो गाइस हम लोग वहाँ से क्रिकेट स्टेडियम से तो घूम करके आ गए, अब यहाँ से जाएंगे ब्रह्मकुंड घूमने के लिए। तो जो भी लोग यहाँ देखे हैं पूरा ब्लॉग देख लीजिएगा, पूरा ब्लॉग जरूर देखेंगे यहाँ तक देख रहे हैं। तो अगर आप लोग को आना है यहाँ पे तो अभी एंट्री तो यहाँ पे बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है इसलिए। और यहाँ पे 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक यहाँ पे खेल होने वाला है, तो आप लोग उस समय पे आइए, अभी आना बेकार है, घूम करके जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।